Hello everyone, in this video you will get to know what are internet protocols. Internet protocols are a set of rules that allow computers and other devices to communicate over the internet. Internet protocols वो set of rules हैं जिन्हें follow करने के बाद जितने भी devices internet से connected हैं they are capable to communicate with each other. वो इन rules की help से एक दूसरे से communicate कर सकते हैं, data transfer कर सकते हैं from one device to another. These protocols ensure data is sent, received and understood correctly between different systems. ये protocols ये ensure करते हैं कि data कैसे travel करेगा, कैसे receive होगा और कैसे different devices के द्वारा वो data समझा जाएगा. तो जितना भी process है वो सारा protocols handle करता है, right? और protocols क्या होता है? Set of rules. कुछ rules होते हैं जो follow किए जाते हैं over the internet. जैसे जब आप web document search करते हो तो आपके पास web document आता है with the help of hypertext transfer protocol, right? There are many types of internet protocols. बहुत सारे internet protocols हैं जो internet की working में help करते हैं, each serving a specific purpose. और जितने भी protocols हैं उनका अलग अलग काम है, अलग अलग purpose है. Such as transferring files, जैसे files को transfer करना, sending emails, emails को send करना और securing data या data को secure करना. First we have HTTP. HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. Okay, HTTP की फुल फॉर्म क्या है? Hypertext Transfer Protocol. वो प्रोटोकॉल जो वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपरटेक्स्ट को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है. ओके, नाउ व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट? हाइपरटेक्स्ट क्या है? हाइपरटेक्स्ट इज द टेक्स्ट व्हिच कंटेन्स लिंक्स टू द अदर टेक्स्ट. हाइपरटेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जिसके अंदर हाइपरलिंक्स होते हैं. जैसे आप वेबसाइट्स देखते हो, वेबसाइट्स में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं, राइट? और वो पेजेस एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं? विद द हेल्प ऑफ द हाइपरलिंक्स. ओके, टेक्स्ट हाइपरलिंक, पिक्चर हाइपरलिंक्स. ओके, तो यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल का मेन फंक्शन क्या है? टू ट्रांसफर हाइपरटेक्स्ट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब पे. ओके, वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए, वेब डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए ये हेल्प करता है. फाइन. Now, HTTP is the set of rules. You know protocol क्या होते हैं? Set of rules. तो HTTP क्या है? Set of rules है for transferring hypertext on World Wide Web. Okay, इसका यूज किया जाता है हाइपरटेक्स्ट को वर्ल्ड वाइड वेब पर ट्रांसफर करने के लिए. हाइपरटेक्स्ट में आपका टेक्स्ट भी आता है, ग्राफिक, इमेज, साउंड, वीडियो एसेट्रा. फाइन. Now, HTTP is based on client-server architecture. HTTP किस पर based है? Client-server architecture पर based है. HTTP allows the client computer. अब यहाँ पे जो client computer किसका है? User का computer है, आपका computer है. For example, अगर आप किसी website को access कर रहे हो अपने web browser से, तो यहाँ पे आपका web browser क्या है? Client. आपका web browser client है और आपका computer है client computer. Okay? तो HTTP क्या करता है? इट हेल्प्स यू टू स्टेब्लिश अ कनेक्शन टू द सर्वर. ये आपका कनेक्शन क्रिएट करता है सर्वर के साथ, सो डैट यू कैन मेक योर रिक्वेस्ट, जिससे कि आप अपनी रिक्वेस्ट को सेंड कर सको. द सर्वर एक्सेप्ट द कनेक्शन इनिशिएटेड बाय द क्लाइंट. सर्वर आपके कनेक्शन को एक्सेप्ट करता है, क्लाइंट के कनेक्शन को एक्सेप्ट करता है एंड सेंड्स बैक रिस्पॉन्स. और रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को आपके कंप्यूटर पे भेज देता है. फाइन. यहाँ पे देखो, पिक्चर में देखो, सबसे पहले क्लाइंट ने क्या किया? रिक्वेस्ट को सेंड किया सर्वर को. ओके, और रिक्वेस्ट किसकी हेल्प से जाएगी? आपके HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से जाएगी. फिर सर्वर क्या करेगा? रिस्पॉन्स को क्लाइंट कंप्यूटर के पास सेंड कर देगा, जो किसकी हेल्प से आएगा? HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से आएगा. फाइन. Here the browser acts as an HTTP client. यहाँ पे आपका browser HTTP client है. Okay, whereas the web server acts as an HTTP server. और web server कैसे behave कर रहा है? वो as a HTTP server act कर रहा है. Fine. Now अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? Example लेते हैं. Suppose we enter the URL. मान लो आपने अपने ब्राउजर में एक URL को टाइप किया है. ओके, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड वेब कहाँ पे वर्क करता है? ये वर्ल्ड वाइड वेब पे वर्क करता है. .ncert.nic.in इन अ ब्राउजर. ओके, इट सेंड्स HTTP रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर. तो ये क्या करेगा? ये वेब सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा. वेयर दिस वेबसाइट इज प्रेजेंट, उस वेब सर्वर के पास जाएगा जहां पे ये वेबसाइट प्रेजेंट है. ओके, HTTP allows the client computer to establish a connection to the server. ये मैंने भी आपको बताया. HTTP की हेल्प से क्लाइंट कंप्यूटर क्या करता है? सर्वर के साथ कनेक्शन क्रिएट करता है और रिक्वेस्ट अपनी सेंड करता है. फाइन. द वेब सर्वर फेचेस एंड सेंड द रिक्वेस्टेड वेब पेजेस वेब सर्वर क्या करेगा, जो भी डेटा उसको फेच करना है उसको फेच करेगा और वो उसको सेंड बैक कर देगा कहाँ पे, क्लाइंट कंप्यूटर के पास, एंड सेंड द रिक्वेस्टेड वेब पेजेस एज HTTP रिस्पॉन्स टू द ब्राउजर. ओके, तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट सेंड होगी वो भी HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से सेंड होगी और जो रिस्पॉन्स आएगा वो भी HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से आएगा. फाइन, विच इज डिस्प्लेड ऑन द ब्राउजर. ओके, रिस्पॉन्स आया और ब्राउजर के कंप्यूटर पे वो क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा. हियर द ब्राउजर एक्ट्स एज एन HTTP क्लाइंट. यहाँ पे ब्राउजर HTTP क्लाइंट है और आपका सर्वर क्या है, HTTP सर्वर है. नेक्स्ट वी हैव PPP. PPP स्टैंड्स फॉर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. PPP is a communication protocol which establishes a dedicated and direct connection between two communicating devices. PPP protocol क्या करता है, दो डिवाइसेस के बीच में एक डेडिकेटेड ओके और यू कैन से डायरेक्ट कनेक्शन क्रिएट करता है. फाइन, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो यहाँ पे दो डिवाइसेस हैं और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ द नेटवर्क. फाइन, तो यहाँ पे इन डिवाइसेस के बीच में डेटा एक्सचेंज करने के लिए पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है. Right, this protocol defines how two devices will authenticate each other. ये protocol बताता है कि दोनों डिवाइस एक दूसरे को कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे, मीन्स कैसे पहचानेंगे एक दूसरे को, and establish a direct link between them to exchange data. और दोनों डिवाइसेस के बीच में एक डायरेक्ट लिंक को क्रिएट करता है okay to exchange data so that these devices can exchange data easily. Fine. For example, two routers with direct connection communicate using PPP. तो यहाँ पे एग्जाम्पल में ये क्या कह रहा है कि दो राउटर्स ओके, दो डिवाइसेस हैं हमारे पास, दोनों के पास राउटर है ओके, तो दो राउटर एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेट कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल दो डिवाइसेस के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन क्रिएट करता है. फाइन, सो दैट दीज टू डिवाइसेस कैन एक्सचेंज डेटा इजिली. A PPP connection exists when two systems physically connect through a telephone lines. Point to point connection तब exist होता है जब दो system एक दूसरे से physically connect होते हैं with the help of telephone lines. The internet users who connect their home computers to the server of an internet service provider through a modem also use PPP. जब आप internet connection लेते हो okay and आपका जो system है, आपका device है, modem की help से internet service प्रोवाइडर से कनेक्ट होता है, वहां पे जो ये कनेक्शन क्रिएट हो रहा है उसमें कौन हेल्प करता है, उसमें पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हेल्प करता है. ओके, इन ऑर्डर टू एक्सेस द इंटरनेट ओके पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इज यूज्ड. The communicating devices should have duplex mode for using this protocol. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो communicating devices है, मान लो आपका कंप्यूटर है और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का सर्वर है, उन दोनों वो दोनों क्या होने चाहिए, डुप्लेक्स मोड में होने चाहिए. डुप्लेक्स मोड में मीन्स एट द सेम टाइम दे कैन सेंड द डेटा एज वेल एज दे कैन रिसीव द डेटा. ओके, वो एक टाइम पर डेटा को सेंड भी कर सकें और डेटा को रिसीव भी कर सकें क्योंकि यहाँ पे एक फिजिकल कनेक्शन क्रिएट हो रहा है दोनों के बीच में. This protocol maintains data integrity, ensuring that the packets arrive in the order. ये protocol data integrity को maintain करता है और देखता है कि packets एक particular order में arrive करें. Okay? It intimates the sender about damage or lost packets and asks to resend it. अगर यूजर के पास डेटा जा रहा है या फिर सर्वर के पास डेटा जा रहा है, जो भी डेटा सेंड कर रहा है, फाइन, दो डिवाइसेस अगर कनेक्ट है, जो भी डिवाइस डेटा सेंड कर रही है ओके और डेटा लॉस्ट होता है इन बिटवीन, तो ये सेंडर को बताता है, जिसने डेटा सेंड किया है उसको बताता है कि डेटा लॉस्ट हो गया है और उससे दोबारा डेटा सेंड करने के लिए कहता है. फाइन, नेक्स्ट वी हैव SMTP. SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. SMTP is a protocol used for email services. SMTP protocol का email services में यूज किया जाता है. It is used when a user send email to another email user. इसका यूज किया जाता है जब एक यूजर दूसरे यूजर को ईमेल सेंड करता है. The SMTP protocol is used by the mail transfer agent to deliver the sent email to the recipient mail server. SMTP प्रोटोकॉल का मेल ट्रांसफर एजेंट यूज करता है टू डिलीवर द सेंट मेल, मेल को सेंड करने के लिए कहाँ पर, रेसिपिएंट के मेल सर्वर पर. ओके, यूजर ने मेल को सेंड किया, राइट, अब क्या करेगा मेल ट्रांसफर एजेंट क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, वो क्या करेगा SMTP प्रोटोकॉल का यूज करके उस मेल को रिसीवर के मेल सर्वर तक पहुंचाएगा. फाइन. अब यहाँ पे देखो अ मेल और मैसेज ट्रांसफर एजेंट इज अ सॉफ्टवेयर. एमटी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है डेट ट्रांसफर ईमेल्स बिटवीन द कंप्यूटर्स ऑफ अ सेंडर एंड रिसीवर, जिसका क्या काम है, ईमेल्स को सेंड करना, ओके, फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर. फाइन. तो यहाँ पे जो एमटी है वो कौन से प्रोटोकॉल का यूज करता है, वो एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज करता है टू सेंड द मेल फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर, मेल सर्वर. फाइन. The SMTP protocol can only be used to send emails. SMTP प्रोटोकॉल का यूज सिर्फ मेल्स को सेंड करने के लिए किया जाता है, रिसीव करने के लिए नहीं किया जाता, not to receive them. Okay? Next we have TCP/IP protocol. TCP/IP stands for Transmission Control Protocol, Internet Protocol. TCP/IP is a communication protocol used by the Internet. TCP/IP communication protocol है जिसका इंटरनेट यूज करता है. Okay? The TCP Transmission Control Protocol is responsible for dividing the message into packets on the source computer. तो TCP/IP protocol में जो TCP part है उसका क्या वर्क है, Transmission Control Protocol है, उसका काम है सोर्स कंप्यूटर पे आपके मैसेज को, आपके डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड करना. यू नो इट वेरी वेल कि जब डेटा नेटवर्क में ट्रांसफर होता है तो पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है. तो यहाँ पे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड करने के लिए. टीसीपी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअसेंबलिंग द रिसीव्ड पैकेट्स एट द डेस्टिनेशन और द रेसिपिएंट कंप्यूटर. इन द सेम वे जब पैकेट्स रेसिपिएंट कंप्यूटर के पास पहुंच जाते हैं वहां पे TCP/IP उनको रीअसेंबल करता है इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिनल मैसेज. फाइन. Now, the IP protocol ensures that each computer or node connected to the internet is assigned an IP address. IP protocol का क्या काम होता है, जितने भी कंप्यूटर, जितने भी डिवाइसेस, ओके, इंटरनेट से कनेक्टेड है उन सबको एक IP एड्रेस देना. फाइन. उन सबको एक यूनिक आइडेंटिटी देना विच इज यूज टू आइडेंटिफाई ईच नोड इंडिपेंडेंटली. जिससे क्या होगा, आप डेटा को एक पर्टिकुलर नोड, एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे भेज सकते हो. फाइन. जितने भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं दे हैव आईपी एड्रेसेस, उनका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जिसकी हेल्प से क्या होता है, डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हो टू एनी डिवाइस, राइट. ओके. सो डेट ईच पैकेट इज राउटेड और यू कैन से सेंड टू इट्स प्रॉपर डेस्टिनेशन. देखो, अगर आपके हाउस एड्रेस होता है, हाउस एड्रेस है तभी आप कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर हाउस में क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो या कहीं से भी मंगवा सकते हो. ओके. इन द सेम वे जितने भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड हैं दे ऑल हैव अ यूनिक आईपी एड्रेस. ओके. जिसकी हेल्प से क्या होता है, डेटा ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन डिवाइस टू द अनदर, राइट. तो आईपी प्रोटोकॉल का क्या काम है, आईपी प्रोटोकॉल का काम है टू असाइन आईपी एड्रेसेस टू ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क, राइट. नेक्स्ट वी हैव POP3 प्रोटोकॉल. POP स्टैंड्स फॉर Post Office Protocol. It is the most commonly used protocol for receiving email over the internet. POP protocol का use email को receive करने के लिए किया जाता है, right? POP3 is a one-way client-server protocol in which email is received and held on the email server. आपने पहले पढ़ा था simple mail transfer protocol क्या करता है, sender से mail को लेकर receiver तक पहुंचाता है, right? Okay? तो यहाँ पे receiver side पर उसको कौन receive करेगा, उसे POP protocol कॉल रिसीव करेगा. फाइन. ओके. द थ्री रेफर्स टू द थर्ड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल पीओपी प्रोटोकॉल. यहाँ पे जो थ्री यूज किया गया है वो पीओपी प्रोटोकॉल के थर्ड वर्जन के लिए यूज किया गया है. यू कैन चेक योर मेल बॉक्स ऑन द सर्वर एंड कैन डाउनलोड एनी ईमेल यूजिंग POP3. POP क्या करता है, SMTP प्रोटोकॉल से ईमेल को रिसीव करता है, ओके, एंड रिसीवर के मेल सर्वर पर उसको सेव कर देता है. फाइन. अब मेल सर्वर पर आप अपने मेल बॉक्स को चेक कर सकते हो और वहां से कोई भी ईमेल डाउनलोड कर सकते हो. इट ऑल्सो अलाउज टू डाउनलोड द रिसीव मैसेजेस ऑन द लोकल मशीन यूजिंग टूल लाइक आउटलुक. और अगर आप ये चाहते हो कि जो आपके मैसेजेस हैं वो आपके सिस्टम पर, आपकी लोकल मशीन पर सेव हो जाए, तो उसके लिए आप कोई एप्लीकेशन यूज कर सकते हो लाइक आउटलुक. आउटलुक क्या करता है, आउटलुक आपके मैसेजेस को सेव करके रख लेता है सो डैट यूजर कैन रीड दैम even when they are not connected to the internet. Okay, जितने भी messages यूज़र ने क्या किया है, मेल सर्वर से डाउनलोड किए हैं आउटलुक के अंदर, वो उनको कभी भी रीड कर सकता है चाहे वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो चाहे ना हो. Now we have HTTPS. HTTPS stands for Hypertext Transfer Protocol Secure. HTTPS protocol ensures the security of the text or information being transferred over World Wide Web. HTTPS protocol ये ensure करता है कि जो भी information World Wide Web पर transfer हो रही है from one device to another वो securely transfer हो, right? HTTPS is enhanced version of HTTP working with SSL. HTTPS क्या है? HTTP का enhanced version है, Hypertext Transfer Protocol का enhanced version है जो SSL Secure Socket Layer Certificate के साथ काम करता है. The SSL helps create a secure and encrypted connection between the server and the browser. Secure Socket Layer सर्वर और ब्राउज़र के बीच में एक सिक्योर और एनक्रिप्टेड कनेक्शन क्रिएट करती है. ओके, आप देखो पिक्चर में देख सकते हो ये आपका ब्राउज़र है और ये आपका सर्वर है. ओके, जब HTTPS के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होगा, राइट, HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होगा तो वो बहुत ही सिक्योर वे में और एनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा, राइट. इट विल क्रिएट अ सिक्योर एंड एनक्रिप्टेड कनेक्शन बिटवीन द ब्राउज़र एंड द सर्वर. फाइन. SSL encrypts and sends information over a secure connection, making it hard to steal. Secure socket layer information को encrypt करता है and then उसको एक secure connection के through one device से दूसरे device पर transfer करता है, transmit करता है. ओके, जब आपका data encrypted form में travel करता है तो उसको steal नहीं किया जा सकता, और अगर वो steal हो भी जाता है तो कोई भी उस data को समझ नहीं सकता, right? Because data किस form में होता है? Coded form में होता है, right? Encryption is the process of converting actual information into some code words to hide its actual meaning. Encryption कौन सा process होता है जिसमें data को, जो actual data होता है उसको कुछ code words में convert कर दिया जाता है जिससे उसका actual meaning hide हो जाए. Fine. HTTPS is used for exchanging sensitive information over internet. HTTPS का यूज़ इंटरनेट पर sensitive information को exchange करने के लिए किया जाता है, right? Such as login details, आपकी login details, bank details, payment details, etc. Okay? तो जो sensitive data exchange किया जाता है वो HTTPS की help से exchange किया जाता है. Fine. Now we have difference between HTTP and HTTPS protocol. First we have HTTP Hypertext Transfer Protocol. It is a system for transferring information over internet without any security feature, right? तो HTTP क्या करता है? डेटा को ट्रांसफ़र करता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है वर्ल्ड वाइड वेब पर फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर. ओके, बट वो कोई भी सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड नहीं करता है आपके डेटा को, राइट? योर डेटा कैन बी हैक्ड एनी टाइम. Fine. It is a system of transferring HTTPS. It is a system of transferring information with secure socket layer that encrypts and sends information over a secure connection, making it hard to steal. Hypertext Transfer Protocol secure information को transfer करता है with full security. Okay, by using the secure socket layer. जो क्या करता है? Data को या information को first encrypt करता है और उसको एक secure medium के through ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, जिससे कि वो स्टील नहीं हो सकती. ओके, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टील दैट इन्फॉर्मेशन. HTTP it is useful for sending non-sensitive information. HTTP सिक्योरिटी फीचर नहीं प्रोवाइड करता तो उसका यूज़ आप नॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के ट्रांसमिट में यूज़ कर सकते हैं. लाइक सिंपल वेब पेजेस हो गया, सिंपल इंफॉर्मेशन हो गया जो अगर स्टील हो भी जाती है तो कोई उससे नुकसान ना हो. ओके, नाउ HTTPS it is used for transferring or exchanging sensitive information. Hypertext Transfer Protocol सिक्योर का यूज़ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है. HTTP it is generally used for blogs, entertainment information and journal articles. HTTP का यूज़ blogs के लिए किया जाता है, simple entertainment information के लिए किया जाता है. ओके, journal articles के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, जब आप से कोई भी इस टाइप की इंफॉर्मेशन या वेब पेजेस एक्सेस करते हो तो वहाँ पे HTTP का यूज़ किया जाता है. ओके, now HTTPS it is used for exchanging information such as login details, bank details, payment details. लेकिन HTTPS का यूज़ आपकी क्रूशियल इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। अगर आपकी लॉगिन डिटेल्स के लिए, ओके, आपके बैंक डिटेल्स के लिए, पेमेंट डिटेल्स के लिए, इस टाइप के डेटा को एक्सचेंज करने के लिए HTTPS का यूज़ किया जाता है। Now, HTTP, it does not require any additional technology for data exchange transfer। HTTP के अंदर किसी भी additional technology का यूज़ नहीं किया जाता, but HTTP के अंदर it requires additional SSL certificate for secure exchange of data or information through secure connection। But HTTPS SSL सर्टिफिकेट का यूज़ करता है, जिससे कि डेटा का सिक्योर विथ फुल सिक्योरिटी ट्रांसमिशन हो सके। फाइन। Okay everyone, if you like my video, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.